संस्कृति एवं परंपरा को दर्शाते हैं। हम सभी शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं। अनंत चतुर्दशी पर्व सहित आने वाले हर त्यौहार के मद्देनजर हमें संकल्प करें कि हम किसी भी प्रकार का नशा करके त्यौहार की खुशी को खराब नहीं करेंगे। नशा नाश का सबसे बड़ा कारण होता है। नशा हमारे परिवारजनों एवं परिवार की खुशियों को भी खत्म कर देता है। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने उक्त बातें बुधवार की शाम को थाना परिसर बड़वानी में अनंत चतुर्दशी पर्व के मद्देनजर आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान कही। कलेक्टर ने सभी से अपील की कि वे सभी अनंत चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से पूरे जोश एवं उत्साह के साथ मनाएं, परंतु यह संकल्प लें कि वे इस दौरान किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि अनंत चतुर्दशी पर्व के दौरान निकलने वाली झांकियों के मार्ग पर पुलिस विभाग द्वारा कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्हें कैमरे से पूरे समारोह पर निगरानी रखी जाएगी। कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत ना करे जिससे उनके विरुद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाए। पुलिस एवं प्रशासन को पूर्ण रूप से सहयोग कर शांतिपूर्ण तरीके से झांकी के समारोह निकाले। बैठक में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, SDM बड़वानी घनश्याम धननगर, SDOP रूपरेखा यादव, तहसीलदार आशा परमा, नगर पालिका CMO KS तोडवे, बड़वानी थाना प्रभारी रघुवंशी सहित झांकी निकालने वाले दल भी उपस्थित थे। बड़वानी शहर के महालक्ष्मी गेस्ट हाउस एवं झंडा चौक में अलग अलग चौराहों से झांकी आती है। इस दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। दो अलग अलग चौराहों से आने वाली झांकियों के लिए व्यवस्था की गई है। एक झांकी एक चौराहे से आएगी, उसके बाद दूसरी झांकी दूसरे चौराहे से आएगी। एक एक करके क्रमानुसार झांकी निकाली जाएगी। झांकी के दौरान बजने वाले DJ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार ही बजाए जाएंगे। DJ पर सिर्फ धार्मिक गाने ही बजाए जाएंगे। निकलने वाली झांकियों पर किसी भी व्यक्ति का ऊपर चढ़ना मना है, क्योंकि ऐसा करने से अनजाने में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हो सकती है। जिले के सभी वासी अनंत चतुर्दशी पर्व के दौरान निकलने वाली झांकियों में पुलिस एवं प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। और 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश उत्सव समितियों के लोगों द्वारा झांकियाँ निकाल करके गणेश जी का विसर्जन होगा। उस संबंध में आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों के साथ में आज यहाँ पर बड़वानी की कोतवाली थाने पर बैठक हुई है और उनसे सलाह मशवरा किया गया। शांतिपूर्ण विसर्जन करने के लिए उनसे अपील की गई। दूसरा ये भी अपील की गई कि झांकियों में जब लोग आएंगे आज और कल, तो सभी से वो अपील करें कि कोई भी नशा मुक्ति की उनको शपथ दिलाएं और कोई भी नशा ना करे, क्योंकि नशा मुक्ति बहुत ज़रूरी है। शासन प्रशासन से में बहुत जोर दे रहा है। नशे से कई लोगों की कई तरह की दुर्घटना घटती हैं और हमारे ज़िले में इस तरह का वातावरण भी है कि लोग बहुत नशा करने के आदी हैं। मेरी उनसे अपील भी है कि सभी लोग ज़िले में आयोजन समिति के लोग अपने पंडाल में आने वाले लोगों की नशा मुक्ति की अपील करें, उनको नशा मुक्ति की शपथ दिलाएँ और उनके जुलूस में कोई नशा करके ना आए, ये आयोजन समिति सुनिश्चित करे। साथ ही साथ ये भी अपील करता हूँ जिलेवासियों से, जिले की झांकी आयोजन समिति के लोगों से कि वह प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान है वहीं पर केवल गणेश जी का विसर्जन करें। चिन्हित स्थानों के अलावा यदि विसर्जन करते हैं तो घटना घटने की संभावना रहती है, तो मेरा आग्रह है कि चिन्हित स्थानों के अलावा झांकी का विसर्जन न करें और शांतिपूर्ण विसर्जन करें, शांतिपूर्ण आयोजन करें और साथ साथ नशा करके कोई झांकियों में शामिल ना हो, ये मेरी उनसे अपील है। धन्यवाद। सारा शांति समिति में बैठे देखिए, दो दिन बाद हमारे पूरे ज़िले में जो भी हमारा गणेश उत्सव चल रहा है, इसमें चल समारोह झांकियां निकलेंगी और अगले दिन विसर्जन होगा। इसको देखते हुए आज हमने सभी गणेश उत्सव आयोजन समितियों की बैठक बुलाई थी थाना कोतवाली में और इन सबसे विस्तृत चर्चा हुई है। एक तो हमने जो इनको प्रशासनिक इंतजाम चाहिए उसके विषय में चर्चा की गई, जो व्यवस्थाएं हमको करनी है, और साथ ही हमने अपने बिंदु भी रखे हैं, जैसे कि लोग अनावश्यक उसमें नशा करके सम्मिलित ना हो, जो भी साउंड बॉक्स या ऐसी गाड़ियां रहें उसमें लोग अपनी ड्यूटी लगाएं, नामजद लोग रहें, जो आयोजन समितियाँ हैं वो अपने वॉलंटियर्स तैयार करें और प्रशासन उनको कुछ पहचान पत्र देगा और वो प्रशासन के साथ मिलकर काम करें। जो एक बात आ रही थी कि किस क्रम में झांकियाँ निकलेंगी, कौन किस तरफ से प्रवेश करेगा, उसको लेकर भी चर्चाएँ हुई हैं। विसर्जन स्थल को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं क्या करनी है और किस तरह से हम इंतजाम करें, क्या सावधानियां बरतें, उसको लेकर चर्चाएं हुई हैं। तो कुल मिला के एक समग्र यहां पे चर्चाएं हुई हैं, लोगों की बातें हमने सुनी और अपने बिंदु हमने रखे हैं ताकि एक हर्षोल्लास के माहौल में हमारा त्यौहार मने और किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना घटित ना हो, हमारी वजह से किसी अन्य को कोई तकलीफ ना हो। इन बातों के साथ हमने एक अच्छी बैठक यहाँ पर की है और मैं आशा करता हूँ कि हमारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनेगा। सर, पूरा चल समारोह रहेगा रात भर,
तो सर पुलिस प्रशासन को भी व्यवस्था है सर? देखिए निश्चित तौर पे जो भी हमारा एक तो थाने का बल है, ट्रैफिक का बल है, इसके अलावा हमें बाहर से जो बल प्राप्त हुआ है, हमारा SAF का यूनिट है, ये सभी ड्यूटी पे तैनात रहेंगे, पूरी प्रशासन की टीम रहेगी हमारी, और इसके लिए जो भी रूट की व्यवस्थाएं हैं, शांति व्यवस्था की व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी टीम करेगी, और इसके लिए हमने आवश्यक प्लानिंग भी की है और व्यवस्थाएँ हमारी उसके अनुरूप रहेंगी। बड़वानी से संजय बामनिया की यह खास रिपोर्ट। नरसिंहपुर में रेत कारोबारियों के बीच खूनी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और वर्चस्व की लड़ाई के चलते बीते दिनों अर्जुन मालगुजार नाम के रेत व्यवसायी व ऋषिराज